दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 1 अक्टूबर को हरियाणा के लोग अपनी नई सरकार का चयन करेंगे। 5 सितंबर से हरियाणा के अंदर नामांकन दाखिल हो जाएंगे और 12 सितंबर तक ये नामांकन का काम चलेगा। उसके बाद कैंडिडेट तय हो जाएंगे और फिर नगाड़ा बजेगा चुनाव का। असल में मैं आपके साथ दोस्तों इस वीडियो में चर्चा में हूँ कि राजनीति के अंदर विधानसभा क्षेत्र जब होते हैं या लोकसभा क्षेत्र, जो भी एरिया होता है जहाँ चुनाव लड़े जाते हैं, कई विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं कि जहाँ लोगों को नए चेहरे मिलते हैं, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर धुरंधर हमेशा टकराया करते हैं। मैं आपसे कुछ ऐसे ही एक मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूँ जिसके अंदर की एक बार फिर से 3 पुराने धुरंधर आपस में आपको टकराते दिखेंगे। मैं आपको बताने चला हूँ कि इन 3 धुरंधरों के लिए टिकट कोई मायने नहीं रखेगी, चाहे वो टिकट किसी पार्टी का उनको मिलता है या नहीं मिलता। वो जिस पार्टी में है उनको उसका टिकट मिले या ना मिले, लेकिन लगता है कि वो चुनाव मैदान में ज़रूर दिखेंगे। ये 3 नेता, जिनमें से एक आज कांग्रेस में है, एक भारतीय जनता पार्टी में है और एक नेता निर्दलीय रहे हैं, क्योंकि वो विधायक थे तो अभी तक उनके लिए तय नहीं हुआ, वो विधायक पद से इस्तीफा दिया नहीं, अब उनको कोई पार्टी में जाने के लिए या तो रिजाइन देना पड़ेगा और या फिर उसके लिए अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो अलग बात हो जाती है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 3 नेता हरियाणा के अंदर एक ही विधानसभा सीट पर लगातार 2 बार टकराए हैं। एक बार एक नेता बीच में नहीं था, 3 नेताओं में से 2 तो 3-3 बार लगातार टकराए हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रथला विधानसभा की, और जिन 3 धुरंधर नेताओं की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो नेता हैं रघुवीर सिंह तेवतिया, टेकचंद शर्मा और नैनपाल रावत। इनमें से मैंने आपको बताया कि एक नेता कांग्रेस में है, रघुवीर सिंह तेवतिया कांग्रेस में है, 2009 में विधायक बने थे। टेकचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी में है, 2014 में विधायक बने थे। नैनपाल रावत निर्दलीय थे, 2019 में निर्दलीय विधायक बने थे। मैं आपको बताऊं कि चुनाव में टकराए कब कब। प्रथला विधानसभा जो है सीट है ये अस्तित्व में आई थी 2009 के विधानसभा चुनाव में। 2009 का विधानसभा चुनाव प्रथला के अंदर पहला चुनाव था। इससे पहले प्रथला विधानसभा का कुछ हिस्सा NIT में हुआ करता था, कुछ हिस्सा बल्लभगढ़ में हुआ करता था और कुछ हिस्सा पलवल में हुआ करता था। इन सब से मिल करके ये विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। झाड़सैतली गांव, यहाँ पर बड़ा गांव, वो कभी NIT में हुआ करता था। और इसके अंदर पलवल की अगर मैं बात करूँ तो फिर अलावलपुर, जनौली, दुधौरा, सदरपुर, बडराम, ये तमाम बड़े गाँव प्रथला ये पलवल में हुआ करते थे। और अगर मैं बल्लभगढ़ की बात करूँ तो मोहना जैसे बड़े गाँव बल्लभगढ़ से आए। इस तरीके से ये विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। 2009 का पहला चुनाव इस प्रथला विधानसभा का हुआ। इस चुनाव के अंदर प्रथला विधानसभा सीट पर जो लोग चुनाव मैदान में थे वो रघुवीर सिंह तेवतिया कांग्रेस से थे, नैनपाल रावत भारतीय जनता पार्टी से थे और टेकचंद शर्मा बहुजन समाज पार्टी से थे। इस चुनाव के अंदर यानी कि 2009 के पहले चुनाव में रघुवीर सिंह तेवतिया चुनाव जीत गए और उस चुनाव के अंदर टेकचंद शर्मा दूसरे स्थान पर रहे और नैनपाल रावत पिछड़ गए। 2009 के चुनाव से पहले मैं आपको बताता चलूं तो नैनपाल रावत एक चुनाव पहले भी लड़ चुके थे विधानसभा का बल्लभगढ़ से। रघुवीर सिंह तेवतिया भी एक विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे पहले 1987 में पलवल से, और टेकचंद शर्मा उससे पहले विधायक का चुनाव तो नहीं लड़े थे लेकिन टेकचंद शर्मा जिला परिषद का चुनाव लड़े थे, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन हुआ करते थे। 2009 का चुनाव तीनों धुरंधर आपने सामने टकराए। 2014 का चुनाव आया, 2014 के चुनाव में भी ये तीनों धुरंधर आमने सामने थे। उस चुनाव में भी रघुवीर सिंह तेवतिया कांग्रेस से थे, नैनपाल रावत भारतीय जनता पार्टी से थे और टेकचंद शर्मा बहुजन समाज पार्टी से थे। 2014 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से टेकचंद शर्मा जीत गए और उन्होंने नज़दीकी मुकाबले में नैनपाल रावत को हरा दिया। BJP के कैंडिडेट के तौर पर नैनपाल रावत चुनाव दूसरा हार गए। रघुवीर सिंह तेवतिया तीसरे स्थान पर पहुंच गए इस चुनाव के अंदर 2014 में।
टेकचंद शर्मा विधायक बने बहुजन समाज पार्टी के और उन्होंने समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद चुनाव 2019 का आया। 2019 के चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी से टेकचंद शर्मा आ गए भारतीय जनता पार्टी में। भाजपा की टिकट की दावेदारी की नहीं मिली और उस चुनाव में टिकट मिला नैनपाल रावत को। और उस चुनाव में 2019 में जिसमें कि टेकचंद शर्मा बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आ गए थे भाजपा में, भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। उनके जो पुराने कैंडिडेट थे नैनपाल रावत, जो पुराने पार्टी में थे, नैनपाल रावत को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उन पर भी भरोसा नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया सोनपाल छोकर को, कृष्णपाल गुर्जर के चहेते 2019 के चुनाव में। और इधर कांग्रेस ने तीसरी बार फिर से भरोसा जताया रघुवीर सिंह तेवतिया को और रघुवीर सिंह तेवतिया फिर से चुनाव मैदान में उतरे। 2019 का ये चुनाव ऐसा था कि जिसके अंदर टेकचंद शर्मा चुनाव मैदान में नहीं आए। उनको टिकट जब भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिला, बहुजन समाज पार्टी में उनकी बात बनी नहीं, या उन्होंने टिकट लिया नहीं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन चुनाव में टेकचंद शर्मा 2019 में नहीं थे। 2019 के चुनाव के अंदर ये दोनों धुरंधर आमने सामने थे, रघुवीर सिंह तेवतिया और नैनपाल रावत। और 2019 के इस चुनाव में नैनपाल रावत ने रघुवीर सिंह तेवतिया को लगभग 17,000 मतों के बड़े अंतर से हरा दिया। इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में थे नैनपाल रावत। नैनपाल रावत के उस समय के वीडियोस वायरल अगर आप देख लें तो आप कहेंगे कि चुनाव के अंदर सिंपथी क्या होती है, सहानुभूति लहर होती क्या है। 2019 का चुनाव ऐसा था कि नैनपाल रावत मंच पर पंचायतों में रोते थे, सामने जनता रोती थी और जनता ने उनको ऐसा समर्थन दिया कि प्रथला विधानसभा का वो रिकॉर्ड बन गया चुनाव के अंदर मतों से जीतने का। क्योंकि रघुवीर सिंह तेवतिया जो चुनाव जीते 2009 में, वो मार्जिन बड़ा नहीं था। जब 2014 में टेकचंद शर्मा चुनाव जीते, वो भी मार्जिन बड़ा नहीं था। और अब जो चुनाव 2019 का हुआ नैनपाल रावत का, निर्दलीय लड़ते हुए, वो जो सहानुभूति लहर के हवाई जहाज पर जो चढ़े थे, उनका हवाई जहाज सीधा चंडीगढ़ जाकर रुका। 17,000 वोटों के अंतर से लगभग रघुवीर सिंह तेवतिया चुनाव हारे। अब 2024 का चुनाव है दोस्तों। 2024 के विधानसभा चुनाव में आप पहले तो इस बात को मान करके चलें कि तीनों धुरंधर अब की बार फिर आमने सामने होंगे। एक बात मैं आपसे जरूर जोड़ दूंगा कि अगर रघुवीर सिंह तेवतिया पर कांग्रेस ने भरोसा किसी स्थिति में, मुझे लगता नहीं है ऐसा बिल्कुल भी, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो भी रघुवीर सिंह तेवतिया चुनाव मैदान में होंगे। अब बात आई दोनों बाकी धुरंधरों की, एक टेकचंद शर्मा और एक नैनपाल रावत। तो टेकचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी में है, उन्होंने जब 2019 के चुनाव के दौरान भाजपा ज्वाइन की थी तो छोड़ी नहीं, भाजपा में लगातार चलते रहे। थोड़ी खुशी थोड़ी गम, कभी हाँ कभी ना, ये सब तो हुआ, गिले शिकवे शिकायतें भी हुई, लेकिन टेकचंद शर्मा बने रहे। अब जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, इसके अंदर जो शिकवे शिकायतें दूर करके और टेकचंद शर्मा ने कृष्णपाल गुर्जर का साथ दिया। अब बात आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसे, क्योंकि एक तरफ टेकचंद शर्मा है जिन्होंने 2014 से 2019 के बीच में समर्थन दिया था, 2019 में टिकट ना मिलने पर चुनाव भी नहीं लड़ा और फिर भी पार्टी में रहे। दूसरी तरफ नैनपाल रावत हैं जिन्होंने कि 2019 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, वो भी समर्थन दे रहे हैं लगातार। अब दोनों एक एक पलड़े पर हैं, कौन सा पलड़ा भारी होगा, कौन से पलड़े में वजन ज़्यादा होगा, बात ये आ जाएगी कि जिसका पलड़ा भारी होगा उसको टिकट मिलेगा। टेकचंद शर्मा के साथ में जो प्लस पॉइंट है वो ये कि उन्होंने साथ दिया 2014 से 19, और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात रही कि टेकचंद शर्मा साथ भारतीय जनता पार्टी के उसके बाद भी चलते रहे जब उनका टिकट कटा, और जब टिकट कटने के बाद भी साथ चले। और उसके साथ में आ जाता है कि एक सहानुभूति अब टेकचंद शर्मा के साथ भी है क्योंकि उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा नहीं। अब अगर बात कर लेते हैं नैनपाल रावत की, तो फिर नैनपाल के साथ बात ये आएगी कि उनको 2019 के चुनाव में भाजपा ने टिकट नहीं दिया, भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते, भाजपा की सरकार बहुमत में नहीं थी और इसके बावजूद नैनपाल रावत कहेंगे देखिए मैंने तो आपका साथ दिया था जब आप बहुमत में नहीं थे तब भी। इस लिहाज से कौन भारी पड़ेगा, हालांकि राजनीतिक चर्चाएँ जो हैं वो पंडित टेकचंद शर्मा के पक्ष में ज़्यादा हैं। राजनीतिक लोग मानते हैं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी टेकचंद शर्मा को अपना कैंडिडेट बना सकती है, लेकिन
नैनपाल रावत को भी इग्नोर करना इतना आसान नहीं। अब बात यह आ जाती है जो मैं आपसे कह रहा था, तीनों धुरंधर। अगर टेकचंद शर्मा को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलता है तो नैनपाल रावत पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि भाजपा ने उनको टिकट दिया तो भाजपा जीतेगी, और भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया तो फिर वो निर्दलीय चुनाव मैदान में होंगे फिर से और भाजपा को हरा देंगे। और दूसरी तरफ अगर टेकचंद शर्मा को टिकट भारतीय जनता पार्टी का नहीं मिला तो फिर राजनीतिक चर्चाएं कह रही हैं कि अब की बार टेकचंद शर्मा भी मैदान में होंगे, वो किसी पार्टी से होंगे या वो निर्दलीय होंगे, क्योंकि 2014 से 19 में जो उन्होंने समर्थन दिया था उसको लेकर के, 19 में टिकट ना मिलने को लेकर के टेकचंद के पक्ष में भी बराबर सहानुभूति है। और ये दो नेता सहानुभूति के रथ पर होंगे। रघुवीर सिंह तेवतिया के लिए लोगों का ये कहना है कि ये दो चुनाव लगातार हार चुके, और टेकचंद शर्मा के लिए लोगों का कहना है कि इन्होंने 2019 में अपना त्याग किया और इन्होंने पार्टी के लिए अपना राजनीतिक करियर दांव पे लगाया। हो कुछ भी, इन तीनों नेताओं को इनकी पार्टियां टिकट दें या ना दें, लेकिन ये तय है कि ये तीनों नेता, रघुवीर सिंह तेवतिया, टेकचंद शर्मा और नैनपाल रावत 2024 के विधानसभा चुनाव में मैदान में होंगे। आपको क्या लगता है कौन नेता इनमें से बाजी मार सकता है? क्या रघुवीर सिंह तेवतिया भारी पड़ेंगे या टेकचंद शर्मा चुनाव जीत जाएंगे? नैनपाल रावत की एंटी इनकम्बेंसी कितनी होगी, वो कितना असर डालेगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।